नमस्कार, आप देखने आज खास कुछ खाली कर्म में मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफ किसान बजट पास हुआ है, ऐसे में पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसान बिल को लेकर तांडव मचाया हुआ है, तो वो दूसरी तरफ किसान बिल को लेकर एक बजट आया है। बजट में वित्त मंत्री ने सीधा ये क्यों कह दिया है कि अब जो है किसान की आय दोगुनी है। क्या सचमुच किसान की आय दोगुनी होने वाली है? अगर होता है तो फिर क्या किसान धरने पर क्यों बैठे? बड़ा सवाल है। किसान अगर धरने पर बैठे हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की राज क्या है? समझने की जरूरत है कि भले लगातार आज भी किसान बजट लेकर के लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, हालांकि अभी सरकार आने में एमएसपी को लाकर के पूरे देश में अखाड़ा खड़ा कर दिया है, जहाँ लोग किसान वही किसान जो आज सड़कों पर खड़े हैं, आज वही किसान जो दिल्ली सिंधु बॉर्डर एवं गाजीपुर बॉर्डर में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या प्रशासन अपनी भूमिका निभाने अगर निभाती होंगी तो शायद किसान सड़कों पर नहीं होता। सर, गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं क्या वो किसानों की हित के लिए होती है, देश की जनता की हित के लिए होती है? अगर होती है तो फिर वो लोग कहाँ हैं जो सिर्फ हिंडौरा कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जो लोग सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। लगातार कुछ नेशनल टेलीविजन चैनल्स में इस तरह से बताया जा रहा है, हालांकि आतंकवादी बताया जा रहा है। किसान प्रोटेस्ट करे तो वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। किसान अगर धरना प्रदर्शन करके अपनी विरोध दर्ज कराता है तो वहाँ कांग्रेस ही कहा जाता है, वहाँ कई नेताओं दलों का नाम लिया जाता है। क्यों? आखिर वो तो किसान है, वो अन्नदाता है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अनाज देता है और हम जैसे रिपोर्टर यानी पत्रकारों को भी खाना देता है। आज अन्नदाताओं के लिए पूरे देश की मीडिया की भूमिका क्या है आप देख रहे हैं। जी न्यूज़ में प्रोग्राम, एक खास प्रोग्राम चल रहा था सुधीर चौधरी का, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि किसान जो है वो अन्नदाता नहीं है, वहाँ राजनीतिक करने वाला है। अगर सुधीर चौधरी को इतनी सी दिमाग होगी तो शायद इस अल्फाज को कहने से पहले अपने आप को देखता मैं क्या कह रहा हूँ। अन्नदाता वही है जो आज देश के लिए इतना कुछ कर रहा है। अन्नदाताओं पर सवाल खड़ा करने वाले ऐसे रिपोर्टरों को अब हमें चाहिए कि बैकआउट किया जाए, यानी उस टीवी चैनलों को देखना बंद कर दिया जाए ताकि हम अपनी व्यवस्थाओं को बरकरार रखें। हमारी यही पहल है कि निष्पक्ष पत्रकारिता की सबसे बड़ी पहचान है। क्यों? अगर पत्रकार हैं हम तो निष्पक्ष हैं, अगर निष्पक्ष रखते हैं तो देश की जीत के लिए काम करेंगे, यानी इंडिया इज द फोर्थ प्रोडक्शन बिटवीन देन योर पॉपुलरिटी देन फोर्थ स्टेट ऑफ मीडिया हाउस। मगर आज हिंदुस्तान की मीडिया में ऐसी आज हालतें हो गई हैं कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर दब कर काम करना बेहतर हो गया। आखिर ऐसे में सवाल पूछे तो पूछे कि लोग आज मीडिया से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? वजह भी जाननी चाहिए हमें, क्योंकि आज मीडिया दिखाई कुछ और है, सत्ता के लोग तले दबे हुए। अगर वो चातुकारिता करना छोड़ दे तो शायद समाज के प्रति बड़ा आईना बनकर उभर सकता है, समाज में दबे हुए पिछले आवाज़ों को उठाया जा सके। हमने इस चीज़ को दिखाया पिछले कार्यक्रम में, हमने ये भी कहा था कि जिस तरह से बीजी व्यवस्था सरकार की है वो कहीं ना कहीं सरकार को खराब होता है, मगर ये हालत है देश की। अगर हम सवाल पूछते हैं तो धमकी दी जाती है, मीडिया कोई भी चीज़ दिखाना चाहे तो धमकी दी जाती है। कुछ मीडिया ऐसे हैं कि जो पैसे खाकर बैठ जाते हैं और उस चीज़ को दबा दिया जाता है। क्या ये सवाल सत्य है? अगर सत्य है तो ये बापू का देश है, हमें सत्यवादी को अपनाना चाहिए, अहिंसावादी को नहीं। हम सत्य में काम करें, सत्य में विजेता हमेशा है। क्या हमें इन विजेताओं पर नहीं चलनी चाहिए? अभी एक कुछ ही दिन पहले खास प्रोग्राम चल रहा था इमरान खान के द्वारा चलाया गया था, आमिर खान के द्वारा चलाया गया था। प्रोग्राम में कहा जाता था सत्य में जयते, यानी अगर हम सत्य में हैं तो फिर जयते कहाँ है, इसका सवाल बड़ा होता है। इसमें राज के पीछे आप थोड़ा सा अंदर तक जाके देखिए, या फिर आज एमएसपी को लेकर जिस तरह से देश में माहौल पैदा हो गया, आज वही शख्सियत जो लाल किला के ऊपर झंडा फहरा था और फहराने के बाद फरार हो जाता है, क्या दिल्ली पुलिस पकड़ने में नाकामयाबी है? नाकामयाबी क्यों? दिल्ली पुलिस के मुख्यालय डीजीपी अब तक नहीं जवाब दे पाते हैं। एक तरफ वो शख्सियत दीप सिंह सिद्धू जो बीजेपी से ताल्लुका रखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, प्रचार प्रसार भाजपा का बंद करते हुए तो सनी देओल जी का कुछ एडवर्टाइज करते हैं, आखिर वो इंसान कैसे ऐसा कर सकता है? यानी अगर देखा जाए तो
से तह तक जाए तो बहुत बड़ी राज है। ये वही स्टार प्रचारक है जो बीजेपी के लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक स्टार प्रचारक बनकर प्रचार कर रहे हैं। आज किसान आंदोलन को भंग करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रचाया गया, उसके पीछे आरएसएस के लोग घुस कर लाल किला में जाकर धार्मिक स्थल पर धार्मिक झंडा फहरा दिया। क्या ये हिंदुस्तान पर जो एक खूबसूरत जैसा शहर तो बर्बाद कर रहा है, कौन है इसके लिए जाँच होनी चाहिए, उन पर सजा होनी चाहिए, आज अन्नदाताओं को लुटाना जा रहा है। इस तरह जो बजट आए, क्या इस बजट से देश खुश है? पेट्रोल का दाम, डीजल के दाम दोगुना होता जा रहा है। क्या यही वो सरकार थी जब कांग्रेस सत्ता में था, लेकिन विपक्ष में रहकर हंगामा करते थे, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, मगर आज वही मोदी सरकार के कार्यकाल पर आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर, लोग व्यवस्थाओं पर आवाज लगा रहे हैं कि अब महंगाई कंट्रोल कर। जो हम प्याज खरीद लेते आज भूमि रेट से प्याज खरीदना होगा, क्या व्यवस्था ठीक होगी? क्या व्यवस्था बदल गया? अगर बदलता तो फिर ये देश की हालत क्यों? सवाल तो कुछ नहीं, हमें चाहिए सत्ता सत्ता से, मगर हम लोग मीडिया की हालत ये है कि विपक्ष सवाल पूछ, मगर क्षमता नहीं है कि हम सवाल तत्वों को रखें, तत्वों को उठाएँ और पूछें, मगर अफसोस की बात है कि मीडिया तंत्र ने वो गुण पकड़ लिया है जो हमने दिखाना नहीं चाहा, हमने पूछना नहीं चाहा। देश की हालत चल सीमा बर्बाद हो गई, दिख रही है। लगातार हम एक खास कार्यक्रम आपको दिखा रहे थे, हमारा यही प्रयास है कि हम आपको सच्चे तौर पर पक्के पत्रकारिता करके दिखना है। हम सत्ता सवाल पूछने की क्षमता पैदा करें, तब जाकर हमारा देश बच सकता है। आज मीडिया की हालतें हो गई है कि समाज से भी बैकआउट किया जाता है, वजह यही है कि आज मीडिया चाटुकारिता में उतर गया है, क्योंकि मीडिया की वजह से देश की हालत बिगड़ती दिख रही है। क्या यह सवाल पूछना लाजमी नहीं है? मैं खास प्रोग्राम में जुड़ा था लाइव 24 न्यूज़ पर, मैं यूट्यूब से बताता हूँ।